आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अभी मैं तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ थी, उसके बाद कर्नाटका गई, गोवा गई और अभी इस समय असम में हूँ। इन सभी राज्यों में तीसरे चरण का मतदान जो है वो 7 मई को होना है। अभी मैं गुवाहाटी से गोलपारा लोकसभा की तरफ जा रही हूँ। लगभग 1.5 घंटे का सफर पूरा हो चुका है, 1 घंटे का सफर बाकी है। 5 जनसभाएं हैं, मुलाकात होगी, मीडिया को संबोधित करूंगी गोलपारा लोकसभा में। कल जो है मैं बारपेटा लोकसभा में जाऊंगी और उसके बाद जो है 4 तारीख को मैं गुवाहाटी लोकसभा में, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा जी लड़ रही हैं उनके लिए गुवाहाटी में पूरा दिन कैंपेन करूंगी। और 5 तारीख को, जिस दिन चुनाव 5 बजे थम जाएगा, 5 मई को मैं धुबरी लोकसभा में जाऊंगी। कल रात को यहां पर पहुंची हूं और अगले 4 दिनों तक 4 लोकसभाओं में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करूंगी। मैं पिछले बहुत दिनों से दौरे पर निकली हुई हूं, पूरा देश घूम रही हूं और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं असम में हूं और गोलपारा लोकसभा की तरफ बढ़ रही हूं। सच मानिएगा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में, जहां मैंने प्रचार किया, कल तक मैं गोवा में थी वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार, और यहां पर असम में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार। सच मानिए, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में, कहीं कोई भी लहर के नाम पर कहें तो मैं कह रही हूं लहर, एक चींटी भी, इतनी भी लहर नहीं है कि एक चींटी को भी वो लहर या हवा उड़ा सके। सच्चाई ये है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जिन लोकसभाओं में मैं जा रही हूं, लाइव प्रसारण से आपसे जुड़ूंगी। मैं परसों साउथ गोवा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके आई। यहां की अखबारें भी मैं देख रही हूं, प्रधानमंत्री जी की भाषणों में मां से महंगाई का जिक्र दूर दूर तक नहीं है। मां से महंगाई का जिक्र दूर दूर तक नहीं है, लेकिन मां से मुसलमान का जिक्र हर भाषणों में है। एक भाई ने कहा, हम तो मुस्लिम हैं और मोदी जी का नाम भी मां से शुरू होता है, हम दोनों की राशि मां है, फिर इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे नफरत, या हमारे नाम पर इस तरह का जो है घुसपैठिए बताना, संविधान, आरक्षण और हर तरीके से हमला, कारण क्या है? सो कहीं ना कहीं ये है कि जवाब भी यही मिला। एक भाई ने दूसरे भाई से सवाल किया तो जवाब भी उसी ने दे दिया कि मोदी जी हमसे नफरत नहीं करते हैं, मोदी जी की ये गलतफहमी हो चुकी है कि हमारे खिलाफ नफरत और जहर भाषण दे दे के उशद चंद हिंदुओं को खुश कर पाए और उनका वोट ले पाए। तो मोदी जी के नफरत भरे भाषण किसी धर्म को लेकर मात्र इसलिए हैं क्योंकि वो इन्हें नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वो इस गलतफहमी में हैं कि कुछ हिंदू खुश होकर इसी बात पर, चाहे खुद बेरोजगारी के शिकार हों, महंगाई के शिकार हों, हर तरीके से बर्बादी की तरफ हों, लेकिन वो खुश हो जाएंगे। देखा कि काफी वीडियो वायरल है, अगर आपने नहीं देखा तो खोजिएगा, देखिएगा कि उत्तर प्रदेश नोएडा की कोई यूनिवर्सिटी से छात्रों को भरकर कांग्रेस के मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए लाया गया। हर तरह का सांप्रदायिक उसमें जो है स्लोगन लिखे हुए थे, लेकिन जब उन्हीं पढ़े लिखे नौजवान युवाओं से, उन्हीं के हाथ में जो प्लकार बोर्ड थे उसके बारे में पूछा गया, तो उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्या क्या लिखा है, उसके मतलब क्या है, है ना, उससे क्या बदलाव आएगा, कुछ नहीं पता था। बट दुख की बात है कि ये जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा लिखा युवा है वो भाजपा की तख्तियां लेकर कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गया और उनके पास जो भी जानकारी थी इतिहास के तोड़ मड़ोड़ की, वो सारी उन्होंने जो है भाजपा आरएसएस की यूनिवर्सिटी से, सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता उससे हासिल की है। मैं आप सभी से कहूंगी, लगातार लगातार सड़कों पर हूं, एक देश के कोने से दूसरे कोने पर जा रही हूं, देश बदलाव अब चाह रहा है। मैं आपसे फिर कह रही हूं, कर्नाटक में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड,
1000 से ऊपर बेटियों के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार, जबरदस्ती, यौन उत्पीड़न करने के 3000 वीडियो वायरल है। कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने FIR दर्ज करके SIT का गठन कर लिया। जनता दल JDS ने अपनी पार्टी से प्रवजल रवन्ना जो उनके सांसद हैं, नाम लेते हुए भी जवान लड़खड़ा रही है, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अब भी उसके पूरी तरह बचाव में उतरे हुए हैं, पूरी तरह से उनके बचाव में उतरे हुए हैं, जबकि पता है कि वो जघन्य अपराध करने वाला प्रज्वल रवन्ना जर्मनी विदेश में बैठा हुआ है। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी से लाकर उसे सजा दिलवाना। आज मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दे इस देश की बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी है। गोवा में भी जब मैंने अपनी बात को रखा तो बिल्कुल पढ़ा लिखा इंजीनियर दो भाई, घर में उनकी लाश मिलती है, पता लगता है कि दोनों इंजीनियर थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था, घर के अंदर खाने का दाना नहीं था, भुखमरी से दोनों की मौत हो जाती है। ये हेडलाइन बनी है गोवा के अंदर। मुद्दे तो यही है ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए, बौखलाए हुए भटक रहे हैं कि सत्ता, धन, बल, चुनाव आयोग बताने को तैयार नहीं है कि पहला चरण, दूसरा चरण पूरा हो गया, कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कितनी महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने, कब तक क्या मत प्रतिशत, जिसकी जानकारी हर चुनाव में आजादी से लेकर आज तक आंकड़ों सहित दी जाती थी, उसे छुपाया जा रहा है। सो मैं आप सबसे कहूंगी, मुद्दे देश के, आज कल 1 मई श्रमिक दिवस था, इस देश का पसीना बहाकर, अभी भी मैं देख रही हूँ निर्माण करने वाला मजदूर पसीना गर्मी में बहा रहा है, अस्पताल, स्कूल, सड़क, फ्लाईओवर बना रहा है, उसका हक है कि उसे न्यूनतम मजदूरी मिले। और ये कानून हम लाने जा रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया उस मजदूर को, उस गरीब को, उसकी मेहनत का हक मिले। अगर वो किसी निर्माण कार्य को करते हुए घायल होता है या उसके परिवार का कोई बीमार होता है तो उसे 25 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त इलाज पूरा दे, ये हमारा वायदा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इन श्रमिकों के लिए 2 लाइन का ट्वीट, शुभकामनाएं, बधाई और मीठी मीठी बातें करके चले गए, ये नहीं बताया कि 10 साल में आप इन मजदूरों को उनका हक अधिकार जो कांग्रेस के समय में मिला था, मनरेगा के तहत मिला था, आपने उसे छीन क्यों लिया। जो कहते कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किया था, बनाया था, आज उसको छीन लिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया है। ये 10 साल में देश के एयरपोर्ट, रेलवे, खदाने, इसरो से लेकर मैं कहती हूँ IIT, ये सब कांग्रेस के समय पर ही बने ना। लेकिन आज क्या है, आज उसे बर्बाद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है पूंजीपति मित्रों के हाथों से। जिस एयरपोर्ट पे जाओ वो बनता बाद में, उस पे अडानी की तख्ती पहले लग रही है। सो मैं आप सबसे कहूंगी, 5 न्याय 25 गारंटी, हाथ बदलेगा हालात, इसी नारे के साथ कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा देश के हालात, हाथ बदलेगा देश के किसान के हालात, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP पे कानून देने जा रहे हैं, जिसका सारा कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं, जिसके कृषि उपकरणों से हम GST को माफ करने जा रहे हैं, ताकि हमारा किसान आत्महत्या ना करे, खुशहाल हो। हम पढ़े लिखे युवाओं को गोवा की तरह, गोवा में 2 इंजीनियर भाई भुखमरी से मौत के मुंह में गए हैं, हम नहीं चाहते ऐसा हो, इसलिए 30 लाख पक्की सरकारी नौकरी के पदों को तुरंत भर्ती खोलकर, भर्ती जो पेपर लीक है उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर, इन भर्तियों को खोलकर उन्हें उनका हक देने जा रहे हैं। हम बहनों को, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 रुपया लगभग हर महीने उनके खातों में डालेंगे, ताकि मेरी बहने महंगाई और बेरोजगारी की वजह से घरेलू हिंसा का शिकार ना हो। हम लोग यहाँ पर सेना की बात कर रहे हैं, सेना को ताकत देने की बात कर रहे हैं, कि सेना में अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके के 4 साल के जो है वो नौकरी लाए गए हैं, और उसमें शहीद से शहीदी का दर्जा छीन लिया गया, कफन में तिरंगे का सम्मान छीन लिया गया, उसके माँ बाप से उसकी पेंशन, उसके सब सुविधाएं जो है शहीद के, उनको वंचित किया जा रहा है। हम वायदा करते हैं, हम आते ही सेना को एक बार फिर से ताकत देंगे, सेना में पक्की भर्ती की बहाली होगी, शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, शहीद का जो नसीब में कफन है, तिरंगा जो सम्मान है उसका, वो उसे मिलेगा जो इसने, भाजपा ने छीन लिया है।
किसान की, श्रमिक की, युवाओं की, महिलाओं की बात करें और जवान की बात करें और भागीदारी की, बिल्कुल संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपने जुमला पत्र जो बीच चुनाव में 10 दिन में बंद कमरों में बनाया गया उसकी बात नहीं करते कि क्या है उस जुमला पत्र में, खोलिए उसका एक एक पन्ना पढ़िए ना, बताइए देश को क्या। लेकिन नहीं, कांग्रेस का न्याय पत्र जो 10,000 किलोमीटर की राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जारी किया गया, लोगों से, किसानों से, दलित मजदूर सबसे, युवाओं से बात करके बनाया गया, उस पर टिप्पणी करते हैं मुस्लिम लीग, मुसलमान, इनका जिक्र है। मैं असम में हूँ, इस समय दौरा कर रही हूँ, जा रही हूँ, और आज भी अखबारें भरी पड़ी है कि मणिपुर जल रहा है, सेना से हथियार छीने जा रहे हैं, एक झुंड आता है और सामने से सेना खड़ी है वहां पर ताकि शांति को बहाली कर सके वहां पर, लेकिन हथियार छीने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल हिंसा के लिए किया जा रहा है, और केंद्र की भाजपा सरकार, मणिपुर की डबल इंजन की सरकार खामोश चुप बैठी हुई तमाशबीन बनी हुई है, और असम में वोट मांग रहे हैं। मणिपुर में जाने की प्रधानमंत्री जी आपने हिम्मत नहीं दिखाई, आप लद्दाख नहीं जा रहे, आप अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे, किस मुंह से झूठ बोलेंगे और दोबारा कहेंगे ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है, जबकि सच्चाई यही है कि लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, चीन हमारी सरहदों में घुसकर बैठा हुआ है। मुद्दे ये सब है आज जिस देश के, 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है केंद्र में, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर देश के सामने आज आपको जाना चाहिए था, जवाब दो, हिसाब दो का नारा आज गूंजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे। 10 साल, 8 साल का बच्चा इन 10 सालों में 18 साल का हो गया। एक माँ ने मुझे गोवा में कहा कि मेरा बेटा 8 साल का था, इस 10 साल में मोदी को वोट देकर 18 साल का हो गया, लेकिन उसका भविष्य जो है वो बर्बाद है, कुछ दिख नहीं रहा, वो नाबालिग से बालिग हो चुका है, उसके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, सब अधिकार 18 में मिल गए, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कहीं भटक ना जाए, गलत रास्ते में ना चला जाए, उस माँ को चिंता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपने इन 10 सालों में इन युवाओं के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था जो है वो नहीं बनाई कि आज उस माँ को या पिता को चिंतित ना होना पड़े। आज आप सभी से कहूंगी, लगभग 12:20 हो रहे हैं दोपहर के, और उम्मीद है 1 बजे तक सभा का जो समय वहां पहुंचूंगी, और भी बहुत से मुद्दों पर बात होगी। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कम से कम नहीं, जब से जिम्मेदारी मिली है जनवरी के महीने से अब तक 26 से 27 राज्य मैं कहूं जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी है मिलाऊं तो कवर कर चुकी हूं। सड़कों के रास्ते से छत्तीसगढ़ हो, 4-3 दिन के दौरे पर रही, आज पूरा असम भी और बहुत से राज्य कहूं मैं, झारखंड और पंजाब, सब जगह जो है जम्मू तक गई और बाय रोड तय किए, लोगों से मिली हूं, बात की हूं। अब प्रधानमंत्री जी आप सत्ता, धन, बल, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर अगर दावा कर रहे हैं आप 400 आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर अगर आप उतरेंगे, हालात जानेंगे, फर्जी झूठे करोड़ों के विज्ञापन टीवी की खबरों से बाहर निकलकर सड़कों पर जब चलेंगे, क्योंकि मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो घर की चार दीवारी में जो है वो बैठकर नहीं कर रही हूँ, मैं देश में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, जवान हो, किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो, सब सच में दुखी और परेशान है प्रधानमंत्री जी। और यहाँ पर अभी एक आर्टिकल भी मैं द हिंदू में पढ़ रही थी कि 36-37% जो है वो लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन उसी के साथ खबर भी है कि 71% जो है खाने की थाली महंगी हो गई है, कमाई अगर कुछ लोगों की बढ़ी है तो उसके खर्चे उससे 70 गुना बढ़ गए हैं, बचत का कोई साधन नहीं है कि कुछ बचा पैसा जो है सुख और दुख के लिए इकट्ठा किया जाए, ऊपर से अभी भी अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लोगों को लेना पड़ रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, मैं असम के रूरल में जा रही हूँ, मैं बहुत बड़े शहरों की बात नहीं कर रही, जहाँ 5-6 सितारा होटल, लोगों के पास अच्छी गाड़ी, घर, नौकर चाकर है, मैं उन कुछ प्रतिशत लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 140 करोड़ के इस भारत में उस भारत की बात कर रही हूँ जिस भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ के उस भारत की बात कर रही हूँ जिसे मुफ्त के सरकारी राशन पर अपने इन 10 सालों में निर्भर रखा और अभी भी घोषणा पत्र में वायदा करते हैं कि हम ये सरकारी मुफ्त राशन आगे भी जारी रखेंगे। यही से
आपके दावों की पोल खुल जाती है कि जिस देश में 140 करोड़ की आबादी हो और 80 करोड़ लोग मुफ्त के सरकारी राशन पे आज भी निर्भर हो, उस देश के विकास के आंकड़े, जीडीपी, विकास दर, बड़े बड़े जो है चीजें, वो खोखली खोखली दिखती है। क्या आप कहेंगे कि इतनी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में इतने ट्रिलियन की होने जा रही है और इतने नंबर पर आ रहे हैं, लेकिन वो जो पैसा और धन है वो चंद पूंजीपति मित्रों तक सीमित है, वो चंद पूंजीपति मित्रों तक विकास जो है वो पूरी तरह सीमित है। लेकिन गांव में जब आप जाएंगे, जहां असली भारत बसता है, 80 करोड़ की जनता जिसका राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कांग्रेस के समय में बने, राशन की दुकानें कांग्रेस के समय पर बनी, राशन कार्ड गरीब का कांग्रेस के समय पर बना, और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब को राशन देने की जो है शुरुआत हुई, लेकिन आपने उसे अपना चुनाव वोट लेने का जो है वो जरिया और हथकंडा बना लिया है कि अब आप इस फूड सिक्योरिटी एक्ट, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त के सरकारी राशन पर 10 साल से और अभी फिर आगे भी कह रहे निर्भर रखेंगे और वोट मांग रहे हैं मुफ्त राशन देंगे। आज वो भी 80 करोड़ का हमारा जो भारत जागरूक हो चुका है वो बार बार पूछ रहा है, मोदी जी हमें कब तक 5 किलो सरकारी जो राशन आप दे रहे उस पर निर्भर रखेंगे, हमें कब आत्मनिर्भर बनाएंगे, कब हमें हमारे हाथ में हमारी मेहनत, हमारी कमाई, हमारा रोजगार होगा और हमारी मुफ्त के राशन के अलावा भी बहुत सी जरूरतें हैं, हम उसकी लड़ाई को उठा रहे हैं। मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं असम के इस ग्रामीण जो है वो भारत से गुजर रही हूँ, या बहुत बहुत बड़े शहर नहीं होंगे, और यही हाल आपके पूरे देश के ग्रामीण भारत का है। आप अगर देखेंगे तो ये छोटे छोटे आप देखते हैं दुकानें, ये रोजगार के जरिए हैं लोगों के, इनसे हमें जो है वो बात करनी होगी। प्रधानमंत्री जी आपके पास समय नहीं है, बस हाथ जोड़कर यही कहूंगी, बस करिए ये हिंदू मुस्लिम करना, हमारी बहनों को डराना। मैंने अपने लाइफ किया छत्तीसगढ़ से, गोवा से, कर्नाटका, जहां पर भी गई हूँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों बहनें मेरी सभा में आई हैं और दोनों बहनों को मैंने मंच पर बुलाकर लाइव किया, वीडियो बनाए उनके और डाले भी सिर्फ आपके लिए प्रधानमंत्री जी, कि हमारी हिंदू बहन जिसके गले में मंगलसूत्र है उसे हमारी मुस्लिम बहन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो दोनों एक साथ बैठी हुई थी, हंस खेल रही थी और ये भी बताया कि हम तो एक दूसरे की पड़ोसी है, सुख दुख में रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, हम एक दूसरे के पहले काम आते हैं। दोनों से पूछा गया कि आपको एक दूसरे से खतरा है, हिंदू बहन से पूछा कि आपको ये मुस्लिम बहन घुसपैठिया लगती है, पाकिस्तान बांग्लादेशी या फिर यहीं की पैदा हुई है, छत्तीसगढ़ हो गोवा हो, बहनों ने बताया नहीं हम तो बचपन में एक साथ यहाँ पर पैदा हुई, पली बड़ी, खेली और आज भी हम साथ में हैं और ये घुसपैठिए नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा मुसलमान घुसपैठिए, और वहीं पर जब मैंने हिंदू बहन से पूछा कि आपके गले में ये मंगलसूत्र है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसे खतरा है, इस हमारी मुसलमान जो हमारी यहाँ पर भाई बहन है उनसे, तो उसको भी कोई खतरा नहीं है प्रधानमंत्री जी, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये देश आजादी के 75 साल बाद भी आज सिर्फ इसलिए एक है, प्यार भाईचारा है, क्योंकि संविधान ने उसे बराबरी के हक और अधिकार दिए हैं। कांग्रेस जैसी सेकुलर, मैं कहूंगी धर्मनिरपेक्ष, सत्य और अहिंसा, गांधीवादी विचारों पर चलने वाली पार्टी ने लंबा इस देश पर जो ऐसा जो है लोगों ने उनको मौका दिया है, और इसीलिए हम करने में कामयाब हुए कि इस देश को एक रख सके, इसके प्यार भाईचारे को एक रख सके। लेकिन आज दुख और चिंता होती है कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के भाईचारे को अगर किसी आदमी से खतरा है तो वो एक अकेला आदमी है जो सब पर भारी पड़ रहा है, और वो भारी भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है। वरना 140 करोड़ के भारत को किसी एक से डर ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। लेकिन अगर वही एक शख्स, मैं एक सेकेंड आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा स्लो करिए, क्या पर आप देख रहे हैं, थोड़ा स्लो करिए एक सेकेंड, यहाँ लगातार मैंने रास्ते में बहुत देखा, लेकिन अब आपसे लाइव जुड़ी हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ लगातार जो है वो पेड़ काटे जा रहे हैं, और ये पेड़ कौन सा बताया आपने, सिकुंटी का, हाँ महंगा पेड़ होता है, सबसे ज्यादा महंगा ये बहुत, यहाँ पर जो है पेड़ों की लगातार, जंगल के जंगल एरिया है, यहाँ पर पेड़ों को आप देखिए काटा जा रहा है लगातार,
है ना, और जंगल खत्म किए जा रहे हैं। मालूम नहीं लोग यहाँ के स्थानीय लोग इसका भारी जो है विरोध भी कर रहे हैं बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण को लेकर अब इस भारी नुकसान की भरपाई, ये जो पेड़ लगातार मैंने लंबा देखा काटा है, लेकिन लाइव अभी जुड़ी हूँ और दोबारा इसको मैं आपको देख भी पा रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। ये असम के अंदर है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, 5-7 लाइन जंगल की घने पेड़ों की काट कर अब ये देखिए लकड़ियां आप देख रहे हैं ले जा रहे हैं ये दोनों तरफ। अब ये ले देखिए, ये लकड़ियां जा रही हैं, ये देखिए लगातार मुझे लगता है कि हजारों नहीं लाखों पेड़ घने जंगलों में लगातार एक देखती आई हूँ काटे जा रहे हैं, जिसका यहाँ के स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विकास के नाम पर ये पेड़ तो काटे जा रहे हैं पर विकास का जो लाभ है वो इनको कहीं कोई मिलते हुए दिख नहीं रहा है। अगर विकास हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रोजगार या उसकी भरपाई कहीं और किसी तरह होनी चाहिए, पर कहीं से कोई भरपाई नहीं है। विकास के नाम पर पर्यावरण का भारी नुकसान लद्दाख से लेकर मैं असम तक में देख रही हो रहा है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी अपने चरम पर बनी हुई है। बात यह है कि विकास के लिए आया करोड़ों करोड़ों रुपया, जो मैंने गोवा में भी देखा, क्योंकि मैं पूरे देश घूम रही हूँ और 100 स्मार्ट सिटी का जो दावा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 तक, वो बुलेट ट्रेन में कौन कहाँ चल रही है मालूम नहीं मुझे, तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, हवाई जहाज की टिकटें देखिए, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में तो घूम नहीं रहा, पर हाँ प्रधानमंत्री जी ने उसी हवाई चप्पल वालों से बेचारों से इतना कर टैक्स लेकर उन्हें बर्बाद करके अपने लिए 8,600 करोड़ के 2 जहाज हवाई जहाज जरूर खरीद लिए हैं। गोवा में मैंने आपको बताया, देश घूम रही हूँ, हर राज्य में जाती हूँ, असम में हूँ इस समय, बोला कि ये स्मार्ट सिटी क्या है, कहाँ है ये, 100 बननी थी, कहीं कोई नहीं दिखा पाया। और गोवा में आपने लाइव देखा, अखबारों में हेडलाइन बना है, गोवा के पेंजिम के में नॉर्थ गोवा लोकसभा में गई देखने के लिए, हालात बदतर हुए पड़े हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, पाइप बाहर है, लोग गिर रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, पूरे पेंजिम नॉर्थ गोवा के लोगों में भारी गुस्सा कि यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपया गोवा के अंदर बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर आया, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। प्रोजेक्ट आया मोपा जो है उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नया एयरपोर्ट, लेकिन किसी को कोई काम रोजगार उस नए को एयरपोर्ट में, इतनी दुकानें बन रही हैं, किसी को दुकान गोवा के बली हो तो कुछ भी नहीं, सब अपने पूंजीपति मित्रों के लिए पर्यावरण कहे या हर संपत्तियों को कहे लूट के बर्बाद किया जा रहा है। मैं आपसे फिर कहूंगी असम के लोगों से, क्योंकि आज मैं आपके 5 दिन के पूरे आपकी 4 लोकसभाओं में जाऊंगी, असम में हूँ, और आपसे यही कहूंगी मत आइए जाति धर्मों की बातों पर प्रधानमंत्री जी की, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आरक्षण, प्रधानमंत्री जी का वीडियो है, कोई उससे छेड़खानी नहीं की गई, बकायदा वायरल है और अभी दोबारा करूंगी वायरल, जिसमें प्रधानमंत्री जी का अभी भी मैं हेडलाइन पढ़ रही थी कि मैं मुसलमानों को जो है वो आरक्षण नहीं देने दूंगा, दे कौन रहा है, और अगर दिया हुआ था 10 साल से तो आपने ले क्यों नहीं लिया है, जब किसी ने दिया ही नहीं तो स्वाभाविक है आपने वापस भी 10 साल में नहीं लिया, अगर दिया हुआ था तो आपने क्या किया 10 साल, जारी रखा उसको या नहीं। और आप खुद कहते हुए दिख रहे हैं कि जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आपका ही एक प्रधानमंत्री जी वीडियो है, जिस उस वीडियो में आप कह रहे हैं कि मुसलमान मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि वोट चाहिए था, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही थी, है ना, सो उस समय कहा मुसलमान भाइयों को कि आपको मैं ओबीसी श्रेणी में रख रहा हूँ, तो सारे मुसलमान गुजरात में ओबीसी श्रेणी में रख दिए गए, और ओबीसी को आरक्षण मिलता है संविधान के मुताबिक, वो मिला उनको सबको, और आज हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम मुसलमानों को दे रहे हैं, आप दे रहे थे गुजरात में ओबीसी थे वो, हम दे रहे हैं तो वो मुसलमान है, धर्म है, आधार है ना, अभी तो कोई किसी को नहीं दे रहा, अभी सबकी लड़ाई है कि देश का जो संविधान है उसे हम कैसे बचा सके, जिसमें महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं, जिसमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं, जिसमें जाति और धर्मों में भेदभाव नहीं, जिसमें सब
क्या इस देश की संपत्ति कहे, मतदान कहे, एक वोट कहे कि कीमत जो है हर किसी का बराबरी का हक और अधिकार है, जिस हक अधिकार को वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर आप छीनने जा रहे हैं। आप संविधान पर लोकतांत्रिक हक और अधिकारों पर जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों को दिए हुए हैं आप उन्हें छीनने जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका ये हमला एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों पर नहीं, देश के उस संविधान पर है जिसने सबको सबको बराबरी का हक और अधिकार दिया हुआ है। हम उस संविधान को बचाने निकले हैं, हम लोकतंत्र को बचाने निकले, हम लोकतंत्र की उन आवाजों को बचाने निकले हैं जिसको गोली के दम पर, हिंसा के दम पर, चाहे वो हमारा किसान हो या जवान हो, उसे कुचलने का काम आपने किया है। इस देश के प्यार और भाईचारे को, एकता को बनाए रखने के लिए, ताकि हमारे दुश्मन हमारी इस कमजोरी का फायदा ना उठा सके जो कमजोरी आपकी वजह से बन रही है कि मणिपुर में दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं, दूसरे को मार काट हो रही है और आप खामोश हैं। वही मणिपुर के हालात आप पूरे देश में पैदा करना चाहते हैं, वही मणिपुर के हालात आप पूरे देश में बनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जिसका फायदा हमारे पड़ोसी दुश्मन जो राज्य देश है वो भी उठाने से चूकेंगे नहीं, ये हम जानते हैं। इसलिए हम ऐसा ना हो इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। मैं असम के लोगों को कहूंगी, छत्तीसगढ़ के लोगों को, कर्नाटका के लोगों को कहूंगी, और गोवा जहां से मैं अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार दौरे करके यहां पर आई हूं, तीसरा चरण 7 मई को आपके यहां मतदान है। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा और असम में, इन सभी राज्यों में तीसरे चरण 7 मई को मतदान खत्म हो जाएगा। सो आप सबसे कहूंगी अपना एक कीमती वोट इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए समर्पित करिएगा, अपना एक वोट इस देश के प्यार और भाईचारे को बनाए रखने के लिए समर्पित करिएगा, आपका एक वोट इस देश के किसान को न्याय दिलाने के लिए होना चाहिए, आपका एक वोट इस देश के श्रमिक को, बेरोजगार मजदूर भाइयों बहनों को, और आपका वोट हमारी आबादी की रक्षा और सुरक्षा, उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ होना चाहिए। सो इसी उम्मीद करती हूँ कि 7 मई को तीसरे चरण के मतदान में आप सभी राज्य के लोग, जहां पर से मैं आई हूँ, अपील दोबारा भी करूंगी, अभी समय है, लेकिन आज आपसे जुड़ी हूँ। और बस ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैं गुवाहाटी से गोलपारा लोकसभा के करीब पहुंच चुके हैं, और थोड़ी एक आधे घंटे के अंदर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करूंगी और आपसे जुड़ी रहूंगी, पल पल की खबरें दूंगी। पर मैं फिर कहूंगी ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये देश 140 करोड़ का है और इस देश की जिम्मेदारी हम सबको, 140 करोड़ के लोगों को, खासतौर से जो मतदान केंद्रों तक जाकर अपना वोट बदलाव के लिए दे रहे, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आज अगर 5 साल में ये मौका मिला है तो हम एक बड़ा संदेश दें, हम एक बड़ा संदेश दें कि देश अब बदलाव चाहता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाजत लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ये हमारा असम की धरती है और यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ, दोबारा जुड़ूंगी। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर ठीक लगे कि मेरे सारे उठाए गए मुद्दे बिल्कुल गंभीर हैं और इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों पर नहीं जिनसे भटकाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं, चंद मीडिया के लोग, पूंजीपति मित्र अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए, या फिर कुछ चंद मीडिया के लोग जिस तरह से कर रहे हैं, उन सबको ये बताना होगा कि ये गलत है और हम सबको इन्हीं मुद्दों पर रहना चाहिए। आपसे दोबारा जुड़ूंगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जरूर शेयर करिएगा जो आपसे आज मेरी बात हुई है, ताकि दूसरे लोग जो नहीं जुड़ पाए वो भी हमारी इस आज की चर्चा से जुड़ पाए। धन्यवाद।